प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए फाइनली आज हम लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 11 का ऑप्शनल 3 पेपर में से, तो उसमें से आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, होम साइंस और सोशोलॉजी का आंसर की आपका यूट्यूब चैनल पर है सो आपका अपलोड हो चुका है। और इसी प्रकार से देर न करके आज हम लोग है सो देखने वाले हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का करेक्ट ऑप्शन आपका है सो 40 में से आपने कितना सही किया है उसको आप है सो जरूर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऊंट के द्वारा है सो ये सबसे पहला स्थापित किया गया था। उसी प्रकार से अगर आ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर उठाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का है, उसमें जो है सो कहता है मनोविज्ञान साइको तथा लोगोस का दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार से मनोविज्ञान व्यवहार का एक प्रकार से क्या है सर जी, विज्ञान है, ये है सो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विकासात्मक मनोविज्ञान को कैसा को कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान को कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं तो विकासात्मक मनोविज्ञान को क्या कहते हैं एक प्रकार से अगर देखा जाए तो विकासात्मक मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि हमारा किसके माना जाता है आपका है सो वो है आपका एक प्रकार से अगर देख लें तो इसमें हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बाल मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मनोविज्ञान की पहली विधि क्या थी, तो मनोविज्ञान की पहली विधि क्या थे प्रकार से अगर देखा जाए तो पहला विधि माना जाता है दोस्तों हमारा क्या कि प्रयोगात्मक विधि को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मनोविज्ञान डायस के अनुसार साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था किसके द्वारा एक प्रकार से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका है सो ये करेक्ट हो जाएगा यानी कि चैपलिन के द्वारा। इसी प्रकार से आप आंसर की जरूर मिलाते चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो ये दर्जा कब प्राप्त हुआ था 1879 के अंतर्गत यह सो दर्जा प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं तो सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो सहसंबंध कितने प्रकार के अगर होते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का है कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होता है हमारा 3 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर अगर 8 आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सुनने की संवेदना का संबंध मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो ये किस भाग में होता है, तो ये होता है हमारा किस एक प्रकार से अगर देखा जाए तो श्रवण खंड के भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किसको प्रसारण केंद्र रियल यानी कि सर जी स्टेशन कहा जाता है, बिल्कुल पता होगा आप लोग कई बार पढ़े होंगे, इसे कहा जाता है किसे विरहत मस्तिष्क को कहा जाता है अनेक प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है पृष्ठ खंड के द्वारा कौन सी संवेदना होती है, तो पृष्ठ खंड के द्वारा कौन सी संवेदना होती है, तो वो हमारा कौन सा होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है हमारा दृष्टि संवेदना, ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आता है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालक कौन होता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का कहता है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालक कौन होता है, तो ये होता है हमारा कौन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है सुसुमना, ठीक है ये याद रखिएगा। देखिए थोड़ा हिंदी में है सो नाम अनपटांग, इंग्लिश में आप भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं माना जाता है, तो किसे नहीं माना जाता है प्रकार से देखते हैं तो आमाशय को है सो नहीं माना गया, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बच्चे के जन्म के पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा एक प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा क्या एक प्रकार से देखते हैं गर्भावस्था शिशु अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बच्चे का विकास पहले सिर, गर्दन, मुख और धड़ और अंत में हाथ और पैर का विकास होता है, तो ऐसे विकास को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, और वो 2 क्या है सर जी मस्तिष्क द्विमुखी विकास क्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मनोविज्ञान की किस शाखा में बच्चों का विकास का अध्ययन किया जाता है, तो ये किस शाखा में किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, ये किया जाता है हमारा शैक्षणिक मनोविज्ञान की शाखा में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विकास हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं,
तो विकास हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, सोमाटोपिन आप लोगों को पता होगा, समझे, ये जो हमारा है प्रकार का किस में कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, बिल्कुल आप लोगों को होगा, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, यानी कि सोमाटोट्रोपिन को है सो कहा जाता है, ये चीज़ मेरा जगह सिक्सटीन का करेक्ट ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है कि निम्न में से कौन महिला का यौन हार्मोन है, तो ये भी ऑप्शन आपका है सो ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ए और बी दोनों, एक और दो दोनों से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव का आंख का अंग नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, मध्य पटल अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रयोगात्मक विधि का अनिवार्य अंग नहीं है, तो प्रयोगात्मक विधि का अंग किसे नहीं माना गया है, तो ये हमारा सर्जिकल प्रकार से अगर देखा जाए तो यंत्र उपकरण है सो प्रकार से नहीं माना जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट भी होना चाहिए, प्रयोगकर्ता भी होना चाहिए और प्रकाश भी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि किस ध्यान में व्यक्ति के इच्छा को प्रधानता होती है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है तो वो क्या कहलाता है प्रकार से हमारा ऐच्छिक ध्यान, ये है सो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पान खाने वाले व्यक्ति का ध्यान पान की दुकान की ओर शीघ्र चला जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, आदत है सो उसका बेचारा का लगा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किसी प्रक्रिया के द्वारा हमें सही और अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये किसके माध्यम से प्राप्त होता है, ये होता है आपका संवेदना के द्वारा। जी विद्यार्थियों, आप लोगों को यहाँ पे एक बात को सूचित कर देते हैं कि आज फाइनली तो आप लोगों का 11th का एग्ज़ाम आपका 20 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि क्लास 12th का तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को जल्द है सूचित किया जाएगा, और आपको क्लास 12th 12वीं का आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट जो जो भी आपका चाहे फिलोसफी हो, दर्शन शास्त्र हो या साइकोलॉजी, होम साइंस, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल तो सब करवाते हैं सर, यानी सारा सब्जेक्ट का एक धासु तैयारी आप लोगों का एक लाइव क्लास के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप लोगों का लाइव क्लास दिया जाएगा, और वो भी है सो सारे डॉट क्लियर के साथ, और हमारी टीम मेंबर है सो आप लोगों को क्लास प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जाएगी बहुत ही मिनिमम कम फी पे। तो जल्द इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि जल्द ही ऐप को लॉन्च किया जाएगा और उसी ऐप के माध्यम से आप लोगों को सारे विषयों का संपूर्ण तैयारी धासु तरीके से करवाया जाएगा, समझे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है सर जी, तो वो हमारा क्या है प्रकार से कथन असत्य है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण का एक जटिल और संज्ञात्मक मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मौखिक सीखने का तात्पर्य सूचियों का शब्दों निर्थक पदों का आदि सीखने में यह कथन किसका है, तो ये हमारा 24 का है सर जी, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था इबिगहांस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सीखना एक कैसा प्रक्रिया है, तो सीखना हमारा है सर जी दोनों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि जन्मजात भी और अर्जित प्रक्रिया भी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कहता है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसके द्वारा, बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक के द्वारा ये दिया गया थ्योरी था। क्वेश्चन नंबर 26 है सीखना क्या है, तो सीखना एक प्रकार से क्या है सर जी, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सीखना क्या हमें बताता है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का चल रहा है 27, तो 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 28 है टाइप करना सीखना, साइकिल चलाना सीखना, तैरना को सीखना को क्या कहते हैं, तो 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समझे, यानी संवेदन गति से सीखना। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मनोविज्ञान विज्ञान है क्योंकि इसे माना गया है, तो क्यों माना जाता है, क्योंकि इसे विज्ञान इसलिए दर्जा है क्योंकि प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की कौन सी विधि है, तो ये हमारा कौन सी विधि माना जाता है, ये प्रायः ऐसा दूसरा विधि माना जाता है, ये याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है सो जरूर मिलाते चलिएगा, वीडियो को बीच में नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सभी विषय का संपूर्ण जितना भी आज एग्जाम हुआ है सभी विषयों का आपका ऐसो आंसर की डला चुका है आपका यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस पे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है स्मरण एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका था, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है बार्टलेट ने के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भूलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो भूलने का सबसे बड़ा कारण है एक प्रकार से 32 का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि पृष्ठोन्मुख अवरोध और अग्रलक्षी अवरोध।
क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है, हम लोग इसलिए भूलते हैं क्योंकि भूलना चाहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाइएगा तो मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ऑप्शन में देना चाहिए था, लेकिन मैथ्यू अर्नोल्ड ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर ये नहीं दिया है तो फिर ऑप्शन नंबर आपका है 120 सही हो जाएगा, फ्रायड के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है, चिंतन का प्रारंभ किससे होता है सर जी? तो चिंतन का प्रारंभ किससे होता है कि आपका किसी भी समस्या के समाधान से होता है, क्योंकि जब तक हमारे जगह समस्या नहीं आती है तब तक हम सोचना प्रारंभ नहीं करते हैं। 35 कहता है, प्रिय विद्यार्थियों कि सृजनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? तो 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जब आपका है 100, यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो चिंतन जिसके सहारे नए तथ्य वस्तु का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार चिंतन के लिए भाषा आवश्यक है, तो भाषा आवश्यक किसके लिए प्रकार से माना गया है? तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 36 था, तो 36 का ऑप्शन नंबर आपका है 104 हो जाएगा, यानी कि जो फ्रायड के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 130, अगर आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका है 100 मिलेगा, 30 जो मिलेगा वो होगा हमारा क्या, 36। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा 37 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? तो नकारात्मक संवेग कौन नहीं है, यौन एक प्रकार का नकारात्मक संवेद नहीं है। 38 का था, निम्नलिखित में से कौन जीवजन्य अभिप्रेरक नहीं है एक प्रकार से माना जाए? तो कौन सा नहीं है सर जी, ये जो हमारा स्नेह पाने का इच्छा, क्योंकि प्यास भी यौन भी और भोग भी क्या है, जीवों में ही देखा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 38 का। 39 का था, प्रिय विद्यार्थियों संवेग के रक्तचाप की कमी और वृद्धि को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, करेक्ट ऑप्शन इसका नंबर हो जाएगा 1, जो कि हमारा क्या है सर जी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, और 1 हमारा है वो हमारा 1 क्या था, तो 1 हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, और 1 में हमारा ऑप्शन है सिफगोमैनोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 39 का। एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, और लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि देखिए जल्द ही आप लोगों का 11 का एग्जाम तो 20 अप्रैल को खत्म हो रहा है, जल्द ही आप लोग का है सो इसी चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा ऑनलाइन पेड कोर्स, बहुत कम मिनिमम फी पे लगभग सारे सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर के द्वारा आप लोग का धासु तैयारी, ताकि 2024 में आपका बेटर रिजल्ट हो सके, क्योंकि 11th का मकसद कोई नहीं पूछेगा लेकिन 12th का आपका मकसद जरूर पूछा जाता है, और एकेडमिक ईयर में 10th और 12th का ही सबसे ज़्यादा वैल्यू भी माना जाता है। तो इसीलिए जिनको भी एक बेहतर है कि हम 12th में बेहतर करें, अच्छे कंटेंट के साथ बढ़े, अच्छे टीचर के साथ बढ़े, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले, क्वालिटी पूर्ण कुछ हो, तो इसलिए इसी को देखते हुए सो हमारी टीम के द्वारा है सो सारे टीचर्स के द्वारा है सो मिल करके आपका है सो एक बेहतरीन तैयारी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर लाइव क्लास होस्ट किया जाएगा, जिसका जल्द और नोटिफिकेशन आप लोग को यूट्यूब चैनल के माध्यम से संबोधित कर दिया जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन था प्रिय विद्यार्थियों कि लास्ट क्वेश्चन था, संवेदना कैसी मानसिक प्रक्रिया है? तो ये हमारा कैसा प्रक्रिया प्रकार से माना जाए? तो ये हमारा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी आपका 12th का तैयारी कर रणनीति क्या हो, इन सारे टॉपिक पर जल्द चर्चा होगा, वो भी लैब और वो भी स्मार्ट बोर्ड के साथ, समझे? चलिए ठीक है, थैंक यू।